अच्छा ऊपर नहीं दिखेगा, नीचे देख लेते हैं, चलो इधर आते हैं। देखो सबसे पहले जो फॉर्मेशन प्रोसेस हम देख रहे हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले होता है आर ई आर, आर ई आर से एस सी आर बन रहा है, राइबोसोम हट रहा है क्योंकि राइबोसोम आ नहीं रहा है, राइबोसोम यहाँ से हट रहा है। राइबोसोम हटते ही आर ई आर किस में बदल रहा है, हमारा एस सी आर में बदल रहा है। एस सी आर में भी क्या प्रेजेंट होगा, सिस्टर्नी ही, क्योंकि आर ई आर से एस सी आर बना है तो इसमें मोस्टली क्या मिलेगा हमें, सिस्टर्नी ही मिलेगा। जब हमें यहाँ पे सिस्टर्नी मिल रहा है तो सिस्टर्नी से यहाँ पर हमारा क्या बन सकता है, गोल्जी एपेरेटस बन सकता है, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन सकता है आप बोलो तो। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जब हम आगे जाएंगे तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्योंकि वेसिकल्स के द्वारा बन रहा है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से हमारा लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की संरचना भी यहाँ पर हमसे बन सकती है। तो यहाँ यही देख रहे हैं हम कि किस तरह से आर ई आर, एस सी आर, फिर गोल्जी अपैरेटस एंड देन लाइसोसोम। तो गोल्जी अपैरेटस एक तरह से क्या है, मध्यवर्ती संरचना है, मिडल संरचना है, जिसमें हम बोल रहे हैं ये ई आर से बन रही है और इसी से ही आगे जाके लाइसोसोम का निर्माण होगा। अब वापस से एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ई आर, गोल्जी, सिक्रीटरी वेसिकल, एंडोसोम, एंडोसोम से यहाँ पे बन गया हमारा लाइसोसोम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे संरचना फॉर्म हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम गोल्जी के केमिकल कंपोजिशन की। गोल्जी में किस तरह से केमिकल कंपोजिशन रहती है उसको हम देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक, क्या क्या रसायन उपस्थित रहेंगे यहाँ पर। तो रासायनिक की जब हम बात करते हैं, कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, तो जनरली दो चीज़ें तो यहाँ पर रहेंगी ही रहेंगी, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो हमारे मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स में जो पाए जाते हैं, दैट आर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स के कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो लिपिड्स में फैटी एसिड्स का कंटेंट भी हमें यहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो फैटी एसिड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे और फैटी एसिड्स के साथ साथ हमें यहाँ पर एटीपी भी मिल सकता है, ठीक है। एटीपी के साथ साथ हमें यहाँ पर विटामिन्स भी मिल सकते हैं, मेनली विटामिन सी या विटामिन्स जनरली हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन सी भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर तो प्रोटीन्स के साथ साथ एक और चीज़ है जो यहाँ पे होती है, दैट इज़ शुगर्स, ठीक है। लेसिथेंस, सेफालिन्स तो यहाँ पे प्रेजेंट रहते ही हैं, बट शुगर्स भी यहाँ पे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन सी, फैटी एसिड, लिपिड, प्रोटीन, शुगर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट पार्ट जो हमारा आता है, दैट इज ऑल अबाउट एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स भी हमारे पास रहेंगे एंड एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे एंजाइम्स हो सकते हैं एटीपेज। एटीपेज के साथ साथ एक और एंजाइम एडीपेज, ठीक है, इसके साथ साथ जीटीपेज भी हो सकता है यहाँ पर, इसके साथ साथ एनएडीएच, साइटोक्रोम, सॉरी स्पेलिंग फ्लो फ्लो में गलत हो जाती है, इसके साथ साथ साइटोक्रोम सी रिडक्टेज एंजाइम भी हो सकता है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे।
सो जनरली अगर हम डिस्कशन करें कंपोनेंट्स का, तो कंपोनेंट्स के डिस्कशन में हमारे आते हैं शुगर्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन सी, एटीपी एंड मोस्ट प्रोबेबली हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स में एटीपेज, एडीपेज, जीटीपेज, कुछ अमाउंट में हमारे यहाँ पे सीटीपेज भी हो सकते हैं, एनएडीएचसी, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज भी हो सकते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम्स भी हो सकते हैं, बट जनरली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। नाउ बात करते हैं इन्हीं के सपोज बायोजेनेसिस की, बायोजेनेसिस गोल्जी के बायोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं। बायोजेनेसिस का मतलब अब भी इतनी बार हम लोगों ने बायोजेनेसिस को कंसिडर किया है, तो बायोजेनेसिस का सिंपल मीनिंग है, बायो मीन्स किसी भी सेल ऑर्गेनल या किसी भी लिविंग सेल से, किसी भी लिविंग सेल से बायोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, लिविंग सेल से फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। अब देखते हैं सबसे फर्स्ट थ्योरी जो डेनियल ने दी थी, डेनियल की थ्योरी। थ्योरीज ही आएंगी हमारी मोस्टली बायोजेनेसिस में। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि जो ER आप देखते हैं, गोल्जी जो आप देखते हैं सिस ट्रांसफेज, तो गोल्जी में हमेशा हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पर वेसिकल रहती है, आशय रहते हैं, ये देखिए है ना, इस तरह से वेसिकल्स या आशय यहाँ पर उपस्थित रहते। अब जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि आशय उपस्थित हैं, तो आशय का किसी से तो निर्माण होगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई मेम्ब्रेन अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इससे एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा वेसिकल फॉर्म हो सकती है, आशय बन सकते हैं। ठीक है, और वेसिकल जब बन रही है तो वेसिकल किसी ना किसी से तो बनेगी, तो एक्चुअल में डेनियल की थ्योरी यही कहती है कि प्लाज्मा कला से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर वेसिकल बनती है और आगे जाके वो गोल्जी को बनाती है, तो ये थॉट रहेगा डेनियल का। तो डेनियल ने ये बोला कि जो प्लाज्मा कला है हमारे सेल में, जो प्लाज्मा कला उपस्थित रहती है, उससे एक आशय बनता है, वेसिकल बनता है, एंड उस वेसिकल से आगे जाकर गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है। तो फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन निर्माण को कहा गया। ठीक है, दूसरा थ्योरी जो हमारी दी, वो दी हमारे दूसरे साइंटिस्ट, इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे हैं, बूच ने। अब इनके अनुसार इनकी क्या थ्योरी थी, किससे, अगेन ये भी यही बता रहे हैं कि आशय का ही निर्माण होगा, बट इनके अकॉर्डिंग किससे होगा, इनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा आशय का निर्माण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। केंद्रक की कला से इन्होंने बोला आशय बनता है और आशय बनके गोल्जी बॉडी को निर्मित करता है। तो केंद्रक ये था सपोज मैंने बोला, तो इस केंद्रक की कला से आशय बना, आशय ने बनके गोल्जी की जो सिस्टर्नी है उसमें जाके जुड़ा एंड गोल्जी को बनाया। ठीक है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ER से बन रहे, तो बाउच की थ्योरी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यानी कि केंद्रक कला से आशय बन रहा है और उसी से आगे जाके हम बोल सकते हैं गोल्जी काय बन रही है, या गोल्जी काय से ही ये आगे जाके संगलित हो रहा है, मर्ज हो रहा है हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी हमारी आती है बोच के बाद, थर्ड साइंटिस्ट हमारे आते हैं वॉड। देखें वॉड की थ्योरी क्या कहती है, वॉड भी हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या थ्योरी दी कि जो हमारी अंडकोशिका होती है, अंडकोशिका यानी कि जो हमारा ओवम होता है, उससे आशय बनते हैं। ठीक है, और उससे आशय बनने के साथ वो आशय सारे मिल जाते हैं, किसमें जाके मिल जाते हैं, जो भी गोल्जी बनने वाली है आगे उसमें जाके संगलित हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वॉड के अनुसार ओवम,
के द्वारा, अंडकोशिका के द्वारा आशिका निर्माण होता है। और लास्ट हमारी थ्योरी आती है एसनर एंड नोविकॉफ की, देख लेते हैं इस थ्योरी को भी। एसनर एंड नोविकॉफ, नोविकॉफ, ठीक है। एसनर एंड नोविकॉफ के अकॉर्डिंगली ग्रैन्यूलेटेड, इनके अनुसार इन्होंने ये बोला कि जो ग्रैन्यूलेटेड ईआर होता है, ठीक है, ग्रैन्यूलेटेड ईआर, कणिका में ईआर, कणिका में ईआर कौन सा होगा, सीधी सी बात है, सॉरी, कणिका में ईआर होता है आरईआर, ठीक है। आरईआर से अगर राइबोसोम हमारे हट जाएंगे, राइबोसोम अगर आरईआर से रिमूव हो जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, एससीआर में। और इन्होंने बोला एससीआर से ही सिस्टर्नी बनती है और सिस्टर्नी से ही गोल्जी बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही थ्योरी दी गई थी, ग्रैन्यूलेटेड ईआर से एसईआर, एसईआर से सिस्टर्नी, सिस्टर्नी से गोल्जी का निर्माण। तो ये थ्योरी थी हमारी एसनर एंड नोविकॉफ की। चलो बायोजेनेसिस को ही हम समराइज कर लेते हैं। बायोजेनेसिस सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट थ्योरी हमारी दी थी किसने, डेनियल ने, डेनियल की थ्योरी थी किससे, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। सेकंड थ्योरी हमारी आती है बुच की, किससे, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक की कला से, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी थ्योरी हमारी आती है वॉर्ड की, किससे, ओवम से, ठीक है, ओवम से, यहाँ लिख लेंगे ओवम। फोर्थ थ्योरी हमारी आती है एसनर एंड नोविकॉफ की थ्योरी, किससे बोले तो ईआर से। अब आई होप बायोजेनेसिस वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर ईआर से तो गोल्जी बन रही है और गोल्जी से आगे जाकर क्या बन रहा है, लाइसोसोम बन रहा है। तो गोल्जी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी आ जाता है कि गोल्जी आगे जाकर लाइसोसोम का निर्माण करती है, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ गोल्जी, कि गोल्जी की कैसे फंक्शंस होते हैं, कार्य बहुत सारे, एक्चुअल में गोल्जी जो है वो बहुत सारे कार्य करती है, तो गोल्जी के फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे, जिसमें से ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म की तरह प्रेजेंट रहती है फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान। और डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, तो उनके अनुसार उन्होंने यही थ्योरी दी थी कि ईआर से गोल्जी एंड गोल्जी से लाइसोसोम। और इसीलिए आप याद करो, एक हमने ईआर में नाम पढ़ा था जीईआरएल सिस्टम, इसी बेसिस पर उसे जीईआरएल सिस्टम कहा गया था, बिकॉज जीईआरएल का मतलब है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लाइसोसोम सिस्टम, ठीक है, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लाइसोसोम सिस्टम, ठीक बात है। तो इसीलिए उसे जीईआरएल सिस्टम कहा गया था, बिकॉज गोल्जी बन किससे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बना किसको रहा है, लाइसोसोम, इस तरह से इसे जीईआरएल सिस्टम कहा गया था। सो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी क्लास।